महादेवाय नमः नमः महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएससी टेट सीटेट एमपी वर्ल्ड महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से संस्कृतम महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं नंदन करता हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वर्ण विचार का विधिवत अध्ययन किया, पढ़ा, महेश्वर सूत्र देखा, अयोगवाद देखे, उपदेश देखे और इत्यादि विभिन्न प्रत्याहार को भी देखा। तो उसी क्रम में आज हम जो वर्ण विचार पर हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था उस पर हम आज आपके सामने प्रश्नोत्तरी अद्भुत प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आप जूनियर शिक्षक भर्ती दे रहे हों अथवा टेट सीएसटेट अथवा सीटेट टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीजीआईसी यूजीसी नेट जीआरएफ जो भी आप दे रहे हैं, आज संस्कृत सब्जेक्ट हर संस्कृत सब्जेक्ट एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएँ जिससे हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुँचे। तो ये चलते हैं अपने विषय की तरफ। ये आपको देख रहे होंगे स्वर प्रकरण में स्वर का अपर दूसरा नाम क्या है। पहला स्वर प्रकरण बात कर रहा है तो वर्ण विचार में स्वर प्रकरण पर पहला बात कर रहे हैं। तो पहले आपसे बोले कि स्वरों का अपर नाम अर्थात दूसरा नाम क्या है। स्वरों का दूसरा अपर नाम कहने का प्राय क्या है। विकल्प यदि बोले कि ये हल है, ये विकल्प हल वी अच की यण की अक। यदि आप महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, ये हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है, पहले की वीडियो आपने देखा है तो आप यहाँ देखे होंगे। तो जो महेश्वर सूत्र है उसमें 14 महेश्वर सूत्रों में यदि हम शुरू के देखें अर्थात पहला सूत्र देखें तो आयुण, दूसरा है ऋलिक, तीसरा है एओं, चौथा है अयौच। तो अर्थात पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र अयौच तक पूरे स्वर की बात होती है। तो इसलिए अगर उसका प्रत्याहार बनाएं पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र का, अर्थात पहले सूत्र आयुण का आ लेंगे और अयौच का चा लेंगे तो अच बनेगा। इसमें संपूर्ण स्वर समाहित हैं इसलिए इसे हम अच स्वर अच संधि अच प्रत्याहार नाम से भी जानते हैं स्वरों को। इसलिए इसका हमारा उत्तर आपका होगा क्या होगा, उत्तर आपका होगा अच। बी विकल्प हमारा सही होगा, क्या होगा, बी विकल्प हमारा सही होगा। अब आइए आगे देखते हैं हल क्या है। तो हल जो है ये पांचवें सूत्र से लेकर हैवरट से लेकर 14वें तक ला है, ये प्रत्याहार है। ये व्यंजनों का समूह है जिसकी संख्या 33 होती है। तो हल क्या है, व्यंजन है जिसकी संख्या क्या होती है 33 होती है। और जो स्वर हैं इसमें 9 स्वर आते हैं, इसमें जो है 5 मूल स्वर हैं और 4 जो है मिश्रित स्वर हैं। यण अंतस्थ है, क्या है अंतस्थ, इसकी संख्या 4 है या वराला, ठीक है। और अग में एक प्रत्याहार है इसमें आई ऊ बसीना आयुण रिलिक। तो अग में हरस स्वर आते हैं, कितने आते हैं हरस स्वर स्वर ये आते हैं। तो इस तरह आपने चारों विकल्प व्याख्या देखी तो ये स्वरों का अपन नाम आप अच है इसको आप जान लेंगे। आइए चलते हैं आगे। अब ये दूसरा आपके सामने जो प्रश्न है कि स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। तो ऐसे आपकी अब इसके पहले वाले सूत्र में देख गए हैं कि स्वर को हम किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिनते हैं। तो आप जानते हैं कि स्वर को अभी पहले सूत्र से लेकर आयुण, दूसरा रेलिक, तीसरा एवं, चौथा अयोच, इसमें जो है संपूर्ण स्वर गिने जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा अच होगा, पहला विकल्प हमारा सही है। अब अग में ये पहला विकल्प हमारा सही है। आइए चारों विकल्प व्याख्या देखें। तो अग में आप जानते हैं कि हरस स्वर आते हैं, कितने आते हैं हरस स्वर अर्थात आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, ली आएगा, ये हरस स्वर 5 स्वर आते हैं हरस। तो आपसे आगे पूछ भी सकता है कितने हरस स्वर हैं, तो 5, कितने मिश्रित स्वर हैं 4। अब फिर आइए अगला विकल्प हम देखते हैं अला। जो अगला विकल्प है, देखिए अगला विकल्प जो ये अल है, ये संपूर्ण व्यंजन संपूर्ण स्वर है, संपूर्ण वर्णमाला है, संपूर्ण वर्णमाला है। कहने का प्राय है कि अल में
टोटल 42 वर्णमाला आते हैं। कितने आते हैं? इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, ठीक है। अब ये आगे आप देखें तो ये डी विकल्प है, डी विकल्प है अण। क्या है? अण। तो ये अण जो है, ये अण जो है आपका, ये है एक प्रत्याहार है जो पहले सूत्र बना है, ठीक है। आ ई ऊ, इसमें तीन अक्षर आते हैं, और आ लेकर ण, लास्ट वाला अक्षर लेकर अण प्रत्याहार बना जो पहले सूत्र से बना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प जो हमारा सही होगा वो अच होगा। स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर गिने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, स्वर कितने हैं? तो स्वर कितने हैं तो आपको बताए हैं कि यदि आप अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या गिने तो आयुण से लेकर, पहला होगा आ ई ऊ, आयुण में आ होगा, फिर ई होगा, फिर ऊ होगा, फिर री होगा, फिर ली होगा, फिर ए होगा, फिर ओ होगा, फिर आई होगा, फिर औ होगा। ये टोटल आपके स्वर हैं। कितनी संख्या है? 9। कितनी संख्या है? 9। तो आप यहाँ लिख लें ये स्वर कितने हैं। तो स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 9। 9 पर टिक कर दें। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब स्वर कितने हैं? तो 9। अब यहाँ 13 क्या है? तो 13 वाक्य में कुछ आता नहीं, 11 में वाय प्रयत्न आते हैं, 33 टोटल व्यंजन होते हैं। ये 33 कितने हैं? व्यंजन है। 13 का कोई विशेष महत्व नहीं है व्याकरण में, और 11 का महत्व है, वाय प्रयत्न 11 होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आइए चौथा चलें, मूल स्वर कितने होते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके पहले की व्याख्या हम लोगों ने देखा कि मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। या आप देख लें मूल स्वर ई, नहीं सॉरी आ ई ऊ री और ली, ये मूल स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। आइए चलते हैं, बाकी आप जानते हैं चार अंतस्थ, चार उष्म व्यंजन होते हैं, दो स्वर व्यंजन वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला दो प्रकार स्वर व्यंजन आते हैं, और बाकी आठ का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो हमारा चौथे प्रश्न का डी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे चलते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन हमारा आपके सामने रखा है कि संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। देखिए ये कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। हम बता दें कि जो स्वर हैं हमारे 9 हैं, उन्होंने दो भागों में डिवाइजेशन किया गया, एक ऊपर मूल स्वर है और दूसरा मिश्रित स्वर है। तो मूल स्वर में 5 आते हैं, आ ई ऊ री ली, और जो मिश्रित स्वर हैं अर्थात तीसरे चौथे सूत्र में आते हैं, हमारे सूत्र के तीसरे चौथे में आते हैं उनकी, ये वो ये हैं, ए हैं, ओ हैं, एउंग और अयौच। तो जिसमें ये चारों होंगे वही आपका उत्तर होगा। तो चारों ए विकल्प में है, इसलिए हमारा ए उत्तर सही होगा। ये लगा लें। अब यहाँ आ ई ऊ री एक कम का नहीं तो ये हरेश्वर हो जाता। बाकी देखिए आ ई ऊ री ली, ये जो हरेश्वर हैं, ए ओ आई औ, ये मिश्रित स्वर हैं, और अंग आह तथा उपदमानीय और जिहमूल्य ये अयोग वाह वर्ण है। तो हमारा उत्तर एक सही होगा। आइए आगे चलते हैं, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो आप महेश्वर सूत्र यदि पढ़ें तो ये री, री के 18 प्रकार होते हैं, ये जो री है 18 प्रकार होते हैं इसके, इसमें हरस्व दीर्घ प्लस सभी होता है, और ली का केवल 12 प्रकार है। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, बाकी हर्ष होता है, पुलुत होता है, इसलिए लिखे 12 प्रकार हैं। तो आप स्वर पूछा था किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, तो आप उत्तर क्या मारेंगे? बी मारेंगे, क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता, यह केवल हर्ष होता है, उपलुत होता है। ए का भी, ए का हर्ष नहीं होता, ओ का भी हर्ष नहीं होता, ए के भी 12 प्रकार, ओ के भी 12 प्रकार। तो आइए आप ये तो छठे का हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, किन स्वर वर्णों का हरस्व नहीं होता? किन स्वर वर्णों का हरस्व नहीं होता? देख लें, समझ लें, किन स्वर वर्णों का हरस्व नहीं होता? तो अब आप जानते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि अगर आप देखें तो ये आ, ये जो ए विकल्प है, ए यही हमारा सही होगा, क्योंकि ए ओ आई औ, ये
मिश्रित स्वर हैं, अर्थात दो स्वरों के मेल से बने हैं। इनका ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ये जितने हैं सबके 12 प्रकार हैं। कितने हैं? 12 प्रकार। बाकी आ ई उ री, इनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। ये सब 18 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के। री का भी 18 प्रकार है और ली का केवल 12 प्रकार है। कारण है कि उसमें ह्रस्व नहीं होता, सॉरी। और ए ओ ई ली, ये ए का जानते हैं आप, वही में आ गया है, ठीक है ना। तो आपका किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता? तो ए ओ आई ओ, इन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ होता है, उपलुत होता है। ये 12 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न, कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? तो देखिए, सवर्णी का यदि हम अभी पढ़ के नहीं हैं, जब संज्ञाएँ सूत्र हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दे दिया तो आप सुन लें कि सवर्णी का सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिसका उच्चारण स्थान समान हो और जिसका प्रयत्न अभ्यांता प्रयत्न समान हो, वो सवर्णी वर्ण कहलाते हैं। तो आप यदि देखें आई, ये प्रयत्न तो चूंकि विवृत्त हैं, विवृत स्वराणाम प्रयत्न अर्थात अभ्यांता प्रयत्न तो दोनों के समान है। पहला विकल्प यदि ये देखें तो अभ्यांता प्रयत्न दोनों के समान है, लेकिन ऊंचाई स्थान में भिन्नता है। आ का ऊंचा स्थान होता है कंठ होता है और ई का ताल होता है, इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं होगा, ये आपस में सवर्णी नहीं होंगे। अब उर्ली देखें तो ऊ का भी ऊंचा स्थान हालांकि प्रयत्न अभ्यांता प्रयत्न विवृत्त दोनों का समान है, लेकिन ऊंचाई स्थान में भिन्नता है। उ का ओष्ठ होता है और री का मूर्धा होता है, इसलिए ए भी नहीं होगा। अब ए ओ का देखें तो ए का भी, ए ओ भी जो है स्वर है और लेकिन ऊंचाई स्थान भिन्नता के कारण ए भी आपस में सवर्णी नहीं होंगे। लेकिन रीली एक वार्तिक कात्यायन महोदय ने एक वार्तिक लिखा है, रिली सवर्णवाच्या, रिली सवर्णवाच्या, इसलिए हमारा उस सूत्र के अनुसार रिली आपस में सवर्णी कहने चाहिए, ऐसा उन्होंने वार्तिक लिख लिया, इसलिए रिली को सवर्णी माना जाता है। हालांकि इसके इनके ऊंचाई स्थानों में भिन्नता है, ऋतुलसा नाम मूर्धा होता है, ऋतुलसा नाम दंता होता है, लेकिन चूंकि कात्यायन महोदय ने एक वार्तिक के आधार पर दिनों को सवर्ण बताया, इसलिए ये सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। और सूत्र है रिली सवर्ण वाच्या, रिली को सवर्णी कहना चाहिए। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? सी होगा। आइए आगे चलते हैं। नवा प्रश्न है, आ आ का उच्चारण स्थान क्या है? अब जैसे आपके सूत्र याद होगा, यदि ऊंचा स्थान आपने पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, एक सूत्र है पहला आयूण नहीं सॉरी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, बोले आ कु हा और विसर्ग, इन तीनों का ऊंचा स्थान क्या है? कंठ। तो इसमें आ में पूरे 18 प्रकार के आ जाते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? 18 प्रकार, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो या उदात अनुदात स्वरित हो, कुछ भी हो, ये सारे 18 प्रकार के आ जाएंगे, इसलिए आ का ऊंचा स्थान क्या होगा? आपका कंठ होगा। डी विकल्प हमारा सही कर लें। अब आइए ए विकल्प देखें, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ऋतुरसाणाम मूर्धा, अर्थात री टावर्ग और मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, लितुल सा नाम दंता, ली टावर्ग और दंत सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। फिर उसके बाद तालु में पढ़ा होगा ई चुयसा नाम तालु, ई चुयसा नाम मतलब ई चु चमल चावर्ग और सा तालब्य सा का ऊंचा स्थान तालु होता है। और जिहवा आप जानते हो जिहा मूल्य से जिहा मूलम, ये जिहा मूल है उससे ऊंचा स्थान जिहा मूल्य वर्ण का होता है, जिसमें का फा फा के आधे का खा के आधे अर्ध विसर्ग होता है। इस नवे प्रश्न का माना डी विकल्प सही होगा, क्योंकि अको विसर्जनीय नाम कंठा। आइए आगे चलते हैं। दसवां प्रश्न है, ई ई ई का ऊंचा स्थान क्या है? तो आप जानते हैं चू ऐसा नाम तालु है, ई का ऊंचा स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। तालु वर्ण आप सही कर लें, यहाँ पे तालु होगा। मैंने अगले प्रश्न में इसकी व्याख्या कर दी थी। अगले प्रश्न मैंने इसकी व्याख्या कर दी है, इच्छु ऐसा नाम तालु में ता, बी विकल्प सही कर लें।
कंठ आपको विशेष नाम कंठा होता है, लिटुल सा नाम मूर्धा, लिटुल सा नाम दंता। अब देखिए उ का ऊंचाई स्थान क्या है, तो एक आम सूत्र पढ़े होंगे उपपद्मिया नाम ओष्ठौ, अर्थात उ और पु तथा पद्मानी वर्ण का ऊंचाई स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। ये हर सुदीर्घ दोनों प्रकार के हैं, इसमें आपको विसर्जन में पढ़ेंगे तो उ में 18 प्रकार दोनों पूरे भाग जाएंगे और पु तथा पद्मानी पाव इनके ऊंचाई स्थान क्या है, ओष्ठ। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। नासिका देखेंगे तो यम गण नासिका है, अनुस्वार नासिका अनुस्वार दो वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। दंत लेतुलसा नाम दंता सूत्र है, तालु इश्चुसा नाम तालु। अब आइए 12वां प्रश्न देखें हम, तो ली का ऊंचाई स्थान क्या है, ली। तो अब ली का ऊंचाई स्थान में यदि आप सूत्र पढ़ें तो लेतुलसा नाम लेतुल ली तु ल लितुल सानाम दंता ये है, तो दंत हमारा ऊंचा स्थान दंत हो जाएगा। मूर्धा आप जानते हैं, लिटुल सानाम मूर्धा है, उपपद्मिया नाम ओष्ठ है, बी विकल्प और अको विसर्ज नाम कंठा है। तो ये 12 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है आपके सामने कि री ली का ऊंचा स्थान क्या है, तो लिटुल सानाम मूर्धा लिटुल सानाम मूर्धा इसमें है री टू और सा इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। री में पूरे 18 प्रकार के आ जाएंगे और टा में टा वर्ग आएगा, शाह मतलब शाह, तो इनके उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अब यदि दंत देखें बी विकल्प तो लितुलसा नाम दंता है, कंठ देखेंगे तो अको विसर्जन नाम कंठ है, नासिका देखें तो नासिका से दो हैं, नासिका अनुस्वार से अनुस्वार वर्ण नासिका से बोले जाते हैं और यमग्रदम नासिका अर्थात पंचमाक्षर जो अभी नासिका से बोले जाते हैं। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न आपके सामने है, ये कहता है कि ए आई का ऊंचाई स्थान क्या है, ए आई का ऊंचाई स्थान क्या है। तो अब एक सूत्र पढ़े होंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इसके पहले कि वो सूत्र था इदैतो कंठ तालु, इदैतो ए और आई का ऊंचाई स्थान कंठ तालु। तो आप जानते हैं कि ए मिश्रित स्वर है, ए जो है आ और ई से मिलकर बना है, आ और इसे मिलकर बना, इसलिए आई का ऊंचाई स्थान जो होगा वही होगा ए का। तो आ का जानते हैं आपके कंठ होता है और ई का तालु होता है, तो चूंकि दोनों मिश्रित से बना इसलिए इसका ऊंचाई स्थान क्या होगा, कंठ तालु। बी विकल्प हमारा सही होगा, सूत्र भी है इदैतो कंठ तालु, बोलिए इदैतो हो कंठ तालु, इदैतो हो कंठ तालु। और देखिए ओ का ऊंचाई स्थान कंठोष्ठ होता है, ओ औदा, इसलिए वो सूत्र उदैतो कंठोष्ठम, ठीक है। कंठ मूर्धा किसी का नहीं होता, कंठ दंत भी किसी का नहीं होता, ठीक है। तो आपका हमारा विकल्प यही का ऊंचाई स्थान क्या, कंठ तालु। आइए अगला प्रश्न भी आगे चुका है वही वाला कि ओ औ का ऊंचाई स्थान क्या है, तो ओ औ का ऊंचाई स्थान आप जानते होंगे क्योंकि ओ औ जो है यदि ओ को देखें तो आ और ऊ, आ और ऊ से मिल सब बना, आ का ऊंचाई स्थान कंठ, ओ का ओष्ठ होता, तो जहाँ कंठोष्ठ होगा वहीं आप लगा देंगे, बी विकल्प हमारा सही होगा। तो उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम में सूत्र भी है, तो आप बी विकल्प सही कर लें। और कंठ तालु आप जानते हैं कि ए का होता है और तालु नाचिका किसी का नहीं होता, दंत नाचिका भी किसी का ना, साली तालु नाचिका से बोलने वाले तुल ना होते हैं, तालनाशिका से बोलने वाले नाक्षर होता है और दंत नाशिका से बोले जाने वाले नहीं, सॉरी 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 ये जो है गलत हो गया, तालुनाशिका से बोले जाए इयाँ बोले जाए, तालुनाशिका से इयाँ अक्षर बोला जाता है और दंत नाशिका से ना बोला जाता, क्यों, क्योंकि एक तो ये इयाँ जो है चावर्ग में आ जाता है और चावर्ग बोले जाते हैं तालु से, और दूसरा ये इयाँ मगरना नाम नाशिका चा से ये नाशिका से बोले जाते हैं, तो तालु नाशिका से यहाँ बोला जाता है, दंत नाशिका से ना बोला जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर वाव से बोले किस ऊंचाई स्थान से बोले जाते हैं, तो कंठ ओष्ठ से। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, आपके सामने स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा, स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा, एक सूत्र है विवृत सराणाम, विवृत सराणाम, तो विवृत
जो है स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत होगा, क्या होगा, विवृत। तो बी विकल्प लगा लें। अब बता देना चाहते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न की संख्या पांच प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है स्पृष्ट, स्पृष्ट इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 25 है, जो आपके सामने है लिखा है, इनकी संख्या क्या है 25 है, क्योंकि पांच वर्ग आते हैं इसलिए 25 है। फिर आता है ईषद स्पृष्ट, उसमें अंतस्थ वर्ण होते हैं या व राला। फिर आता है ईषद विवृत, जिसमें उष्म होते हैं शा शा शाह, इसकी संख्या क्या होती है 4। फिर होते हैं विवृत, विवृत स्वराणाम, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। तो बी विकल्प ही होगा। और उसके बाद संवृत एक आता है अभ्यंतर प्रयत्न, जिसमें उच्चारण की दशा में आ का संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, तो आपको स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि विवृत स्वराणाम विवृत होता है। क्या होता है? विवृत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्मरणी नहीं है, अर्थात कौन स्मरणी नहीं है। तो आप जानते हैं कि स्मरणी का सूत्र है, स्मरणी करने वाला सूत्र है कि तुल्यास प्रयत्नम स्मरणम, तुल्यास प्रयत्नम स्मरणम, अर्थात जिसका तुल्यास प्रयत्नम, अर्थात जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो स्मरणीय। तो आप ई का देखेंगे तो ई का अभ्यंतर प्रयत्न भी जो है ये पूछा नहीं, कौन नहीं है तो आपको नहीं बताना है। तो आप ई देखिए, ई का अभ्यां ऊंचाई स्थान क्या है, इश्चुएसा नाम तालु से, तालु है अभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त है इसलिए ये स्मरणीय है। फिर आह भी वही चीज़ें हैं, आ भी ऊंचाई स्थान हो क्योंकि कंठ है और अभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत्त है, ये संवृत्त यदि ऊंचाई दशा में देखें संवृत्त है तो इसलिए ये भी स्मरणीय है। फिर रेली देखिए, रेली एक स्वार्थी ही आप देख कर आए हैं कि रेली स्मरणीय वाच्चा, ये भी स्मरणीय है। लेकिन ए ओ इनका जो है हालांकि अभ्यंतर प्रयत्न तो समान है विवृत्त है, लेकिन इनका ऊंचाई स्थान समान नहीं है। ए का इदयता इदयतो कंठ तालु हो, उदो का उदयतो कंठोष्टम, कंठोष्ठ है इसका कंठ तालु, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा क्योंकि डी का ऊंचाई स्थान समान ना होने के कारण ये स्मरणीय नहीं है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न क्या देखते हैं, 18वां प्रश्न आपके सामने है कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, स्वर का बाह्य प्रयत्न होगा। अब देखिए हमारे सामने है स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, उदात होगा कि अनुदात होगा कि स्वरित होगा, ठीक है, संवृत्त होगा कि विवार होगा कि श्वास होगा, कि नाद होगा कि घोष होगा का घोष होगा, संवार नाद घोष होगा। आप जानते हैं संवार विवार श्वास नाद घोष अघोष ये सब व्यंजन के बाह्य प्रयत्न, व्यंजन का विषय है, लेकिन स्वरों का उदात अनुदात स्वरित है। क्या है? उदात अनुदात स्वरित। तो हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक मान लें, ए विकल्प भी हमारा उत्तर सही होगा। तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता, उदात अनुदात स्वरित। और हस प्रत्याहार का जो है बाह्य प्रयत्न होगा संवार नाद घोष, ये जो ये चौथा विकल्प है ये होगा, बाकी ये जो थोड़ा उनकी क्रम अलग अलग हैं इसलिए वो ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं बनते। तो आप जान लें कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या हो, दात अनुदात स्वरित। आइए अगला प्रश्न देते हैं, 19वां प्रश्न, कि रीली के परस्पर कितने भेद हैं, रीली के परस्पर कितने भेद। तो हम जानते हैं कि रीली स्वरणी वाच्य स्वरणी कहे जाते हैं, इसमें चूंकि री के हर्ष दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं, हर्ष भी होता है दीर्घ भी होता है प्लुत भी होता है, इस प्रकार 18 भेद किसके होते हैं, रीली के, री के। और ली के चूंकि दीर्घ नहीं होता, हर्ष होता है प्लुत होता है, इसके 12 भेद होते हैं, क्योंकि दोनों स्वरणी होते हैं दोनों जोड़ देंगे तो 30 भेद दोनों के होंगे, क्या होंगे 30 भेद। तो आपका उत्तर 30 भेद हो जाएगा। ठीक है, अब जान लें ली के री का बता दें कि हर्ष दीर्घ प्लुत दोनों तीनों होता है इसलिए 18 भेद होते हैं, ली के केवल हर्ष और प्लुत होता है दीर्घ नहीं होता इसलिए इसके 12 भेद हैं। क्योंकि दोनों स्मरणी गिने जाते हैं रीली स्मरणी वाच्य सूत्र से इसलिए दोनों में मिलाकर 30 भेद हुए, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। बाकी जो आ ई ऊ री इनके 18 भेद होते हैं स्वरों के, और 12 भेद में ली का 12 भेद होगा, ए का ओ का आई का औ का, ये 12 भेद वाले हैं, 28 भेद किसी का नहीं होता जान लीजिए। आगे आइए अगला देते हैं 20 नंबर प्रश्न, आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं, वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं।
तो आ ई ऊ री, इनके तीनों इन जो ये चार वर्ण हैं आ ई ऊ री, इनके उदात अनुदात स्वरित तीनों चूँकि तीनों प्रकार के होते हैं इसलिए इनको यदि मिलाएं उदात अनुदात स्वरित से तो ये सारी चीज़ें मिलाएं तो इनके 18 भेद प्रकार, 18 प्रकार के भेद होते हैं। तो अब लगा लें 20वां प्रश्न का ए विकल्प, 20वां प्रश्न का ए विकल्प आप उत्तर टिक कर लें, यही विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए आज हम आपको सामने 20 प्रश्न तक रोकते हैं क्योंकि जो है वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही 21वें प्रश्न से देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। व्याख्या एक एक विकल्प व्याख्या कर रहे हैं, तो आप यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में इसे कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।